हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। सो अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग में, सब्जेक्ट ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया था। मतलब कि हम लोग एम रिसीवर पढ़ रहे हैं। एम रिसीवर में हम लोगों ने टीआरएफ देख लिया था, जो एक मतलब इससे पहले वाला था, वन वो था, ये सेकेंड वाला है टीआरएफ। टीआरएफ में हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम बनाया था और उसमें जितने भी ब्लॉक थे सबको समेट लिया था। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि सुपर हेटरोडाइन उसका एक मॉडिफाई ब्लॉक डायग्राम है, मॉडिफाई मतलब उससे बेहतरीन, क्योंकि उसमें जो हम लोग आरएफ एम्पलीफायर यूज़ कर रहे थे, ठीक है, अगर हो सकता है आप लोगों को ये बात जो है क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव में या फिर ऐसे जनरल कॉम्पिटिशन वगैरह सब में पूछ दिया जाए कि हम लोग जो टीआरएफ यूज़ कर रहे थे उसमें क्या खामी आ गई जो हम लोगों को सुपर हेटरोडाइन रिसीवर का यूज़ करना पड़ा। टीआरएफ तो था हम लोगों के पास, ठीक है, ये जब एक चीज़ आप लोगों के पास एक मोबाइल है ही, एक मोबाइल बोल रही हूँ, तो दूसरे की क्या जरूरत। तो इसमें जो हम लोग आरएफ वाला सेक्शन देख रहे थे, आरएफ एम्पलीफायर वाला जो ब्लॉक था, ठीक है, आरएफ एम्पलीफायर वाला, उसमें ट्यूनिंग एक हो रही थी, जो मैंने समझाया था ट्यूनिंग क्या हो रही है। जो भी हम लोगों को डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल उसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, बाकी ऑल को रिजेक्ट कर देता है, ये ट्यूनिंग करता है, ठीक है। तो ये ट्यूनिंग वाला जो सेक्शन है इसमें गड़बड़ी आ रही थी। गड़बड़ी क्या, मतलब इसमें उतना अच्छा नहीं था ये, ठीक है, जो कि हम लोग सुपर हेटरोडाइन जो पढ़ेंगे तो उसमें सुपर अच्छा है। तो हम लोग टीआरएफ को इसलिए रिजेक्ट किए हैं, इसलिए हम लोग इसका उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसे अपना यूज़ तो होता ही होगा उतना ही जितना कि सुपर हेटरोडाइन, क्योंकि उसका जो आरएफ वाला ब्लॉक था, आरएफ एम्पलीफायर वाला, उसमें जो ट्यूनिंग हो रही थी वो अच्छी नहीं थी उतनी, तो इसलिए हम लोग मॉडिफाई करके सुपर हेटरोडाइन ये वाला रिसीवर हम लोग यूज़ किए। तो सुपर हेटरोडाइन जैसा कि मैंने पिछले बोला था पिछले क्लास में भी, वाला क्या हुआ चलते हेटरोडाइन, हेटरोडाइन मतलब क्या था हेटरोडाइनिंग का, पिछले क्लास में मैंने बताया था मिक्सिंग ऑफ टू सिग्नल्स, क्या होता है हेटरोडाइनिंग। इसलिए मैंने क्या कर दिया हेटरोडाइनिंग का क्या बोलते हैं डेफिनेशन ही लिख दिया, हेटरोडाइनिंग समझ में आ जाएगा। इसमें मतलब देखिए टीआरएफ में जो खामी थी उसे भरकर बस टीआरएफ वाले ही हम लोग जो ब्लॉक डायग्राम बनाए थे उसी में हम लोग बस मॉडिफाई करके उसी को सुधार करके हम लोग इसे बनाए हैं सुपर हेटरोडाइन को। तो टीआरएफ वाले में ही दो तीन बॉक्स ऐड करना है उसी में, बाकी सारा काम उसमें जो हो रहा था वही होगा, बस कुछ बॉक्स ऐड है उस बॉक्स को हम लोग इसमें समझेंगे, क्योंकि टीआरएफ वाले में हम लोग सारे बॉक्स जितने थे उन लोगों को हम लोगों ने समझ लिया था, थोड़ा सा इसमें भी समझा देंगे अगर टाइम रहा तो, ठीक है, वैसे सब समझाते हुए जो कि तीन चार बॉक्स इसमें और एक्स्ट्रा आएंगे टीआरएफ वाले में हेटरोडाइनिंग बनाने के लिए, वो अच्छे समझ में हम लोग समझेंगे, चाहे मिक्सिंग हो, अभी देखेंगे कौन सा आएगा। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सुपर हेटरोडाइन रिसीवर है, तो सबसे पहले इसमें मैंने लिखा हेटरोडाइनिंग ताकि हेटरोडाइनिंग का मीनिंग अच्छे समझ में आ जाए। क्या है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू सिग्नल, मिक्सिंग आई ना, दो सिग्नल, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, दो सिग्नल हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जिसकी की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, फ्रीक्वेंसी जिसकी डिफरेंट हो, टू प्रोड्यूस ए न्यू फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अच्छी दूसरी है, इस कॉल्ड एज हेटरोडाइनिंग, उसे हम लोग हेटरोडाइनिंग कहते हैं, ठीक है। दो सिग्नल ऐसा हम लोग लेंगे, ले रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी और फिर वो एक न्यू फ्रीक्वेंसी सिग्नल को प्रोड्यूस करेगा, हेटरोडाइनिंग का मतलब यही हो रहा है, ठीक है। मिक्सिंग इसमें हम लोग यूज करेंगे, यही एक टर्म है जो कि टीआरएफ वाले में हम लोग कनेक्ट करेंगे मिक्सिंग एक ब्लॉक, तो इसे मिटा दिया जाए हेटरोडाइनिंग समझ, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक बना जाएगा, नीचे में बनाऊंगी तो फिर समझाने के लिए कुछ मैं नीचे में लिख देती हूँ ना, इसीलिए अच्छा चलिए अभी से रहने देते हैं, पहले और थोड़ा समझ लेते हैं, तब मेन जो हम लोगों का ब्लॉक डायग्राम है वो मैं बना दूंगी। इसमें भी अच्छे से समझ लेते हैं, पहले सबसे पहले हमारा ट्रांसमीटर वाला साइड होता है, ठीक है, उस वाले में भी हम लोगों ने समझा था इस बात को, हाँ बन जाएंगे ना, रेड वाले से बना देंगे। सबसे पहले ट्रांसमीटर वाला हमारा साइड होता है, उसमें लास्ट में एंटेना लगा होता है, जो कि एंटेना क्या करता है, ईएम वेव्स में हमारे इलेक्ट्रिकल वेव को कन्वर्ट कर देता है, और ये भी ट्रांसड्यूसर के जैसा वर्क करेगा ना,
ट्रांसड्यूसर होता क्या है उसका, मतलब सिंपली उसका डेफिनेशन क्या है, जो कि एक एनर्जी फॉर्म को दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल में माइक्रोफोन, स्पीकर सब हम लोग जान रहे हैं। स्पीकर भी पिछले से TRF वाले में हम लोगों ने पढ़ा था, वो भी एक ट्रांसड्यूसर के जैसा वर्क कर रहा था ना। तो ये हमारा ट्रांसमीटर, ट्रांसमिटिंग वाला साइड हो जाएगा, ये हमारा रिसीविंग वाला साइड हो जाएगा। ट्रांसमिटिंग वाले साइड के लास्ट में एंटेना लगता है, जबकि रिसीवर वाले साइड के स्टार्टिंग में सबसे पहले एंटेना ही लगता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव व्यू से मैंने कुछ रेंज वगैरह जो ऑडियो और रेडियो फ्रिक्वेंसी थी वो मैंने लिखा दूंगी आज। यहाँ पर से हमारा सिग्नल गया, सेंडिंग हुआ, यहाँ पर मॉड्यूलेशन भी होता है, एक मेन टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन जो कि हम लोग कैरियर को उसमें फ्रीक्वेंसी में मिक्सिंग मिक्स करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर से हमारा EMF जो आया तो उसे डिटेक्ट करने के लिए रिसीविंग साइड में सबसे पहले एंटेना लगा होता है। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी कैसी, जो कि कुछ जो कि इन माइक्रो नहीं मेगाहर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़ में जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसे हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इतनी सी बात समझ में आई ना, अब मुझे रिसीविंग वाले साइड बताने बनाने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, अब डायरेक्ट मैं सॉरी रिसीविंग नहीं ट्रांसमिटिंग वाला ये बनाने की जरूरत नहीं ना पड़ेगी मुझे, डायरेक्ट मैं रिसीविंग वाला सारा ब्लॉक बना दूंगी। ब्लॉक तो आप लोग भी बना सकते हैं क्योंकि TRF वाला ही बनेगा। देखते हैं कैसे होता है। वो जो ट्यूनिंग में प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम आता है तो उसमें भी एक डेरिवेशन, ठीक है डेरिवेशन, तो हम लोगों को इस सेमेस्टर में डेरिवेशन तो छोड़िए उतना इसको डिफाइन भी नहीं करना है, मतलब लिखना नहीं एग्जाम में, तो डेरिवेशन आप लोगों को नहीं है। शायद 4th, 5th या 6th सेम में हो शायद, ठीक है इसमें तो नहीं है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, सुपर हेटरोडाइन रिसीवर, सुपर हेट्रोडाइनिंग रिसीवर ये वाला चल रहा है। सबसे पहले क्या बनेगा रिसीविंग साइड में, इधर से बना देते हैं ताकि ज्यादा स्पेस रहे हम लोग के पास। अरे सबसे पहले एंटेना लगा रहता है, बोलिए रिसीविंग साइड जब भी हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले उसमें एंटेना लगा रहेगा जो कि ट्रांसमिटिंग एंटेना से जो भी EM वेव्स आ रहे हैं उसे डिटेक्ट करेगा। अरे है कि नहीं यार, फिर क्या होगा, एंटेना रहेगा उसके बाद, अभी भी नहीं, RF एम्पलीफायर अब दिख रहा है ना, अब ठीक है। ये हमारे TRF में भी था, ये हो गया रिसीविंग एंटेना। ठीक है, इसमें बना देंगे रिसीविंग एंटेना, इतना किनारे भी नहीं दिखेगा, अन्याय नहीं करती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर रिसीविंग एंटेना वेव बनाते हैं, वेव इसमें तो आता है, वेव बनेगा एंटेना हो गया। फिर RF एम्पलीफायर हमारे TRF में भी था और हम लोगों ने RF एम्पलीफायर का वर्किंग भी देख लिया था, ये क्या वर्क करेगा, दो वर्क कर रहा था नहीं तो अभी फिर से एक बार बता देंगे। ठीक है, बट उतना डिटेल में नहीं क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में मैंने बता दिया डिटेल में। अब क्या होगा, अब यही ये एक होता है यहाँ पर मिक्सर, यहीं पर मिक्सिंग का काम होता है, क्या काम होता है मिक्सिंग का। तो मिक्सिंग तो अभी जैसे मैंने लिखा था टू सिग्नल्स जो कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के होंगे, आई होप
कि ये वाला बॉक्स दिख रहा हो, हाँ दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है क्या? एक तो हमारा यहाँ पर से आ रहा है, एक तो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। लोकल ऑसिलेटर यूज कर लेते हैं हम, लोकल ऑसिलेटर। मिक्सर के बाद हम लोगों को जो सिग्नल मिलेगा, यहां तक दिख रहा है ना, वो होगा हमारा आई, यहाँ पर होगा आईएफ। अच्छा यहाँ पर आईएफ एम्पलीफायर है, बॉक्स है ना, मिलेगा हम लोगों को आईएफ। आईएफ का मतलब बताएंगे, ठीक है? तो ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आई एफ एम्पलीफायर, मतलब मिक्सिंग के बाद जो हम लोगों को सिग्नल मिलेगा वो आई एफ होगा। आई एफ क्या होता है? इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, इसका नाम है इंटरमीडिएट। यहाँ पर वो रहता है, यहाँ पर इसे दूसरे वाले मार्कर से दिखा दिया जाए, क्योंकि ये हमारे जो मेन हम लोगों का ब्लॉक डायग्राम है वो नहीं है, इसमें सिर्फ समझाने के लिए। आई एफ इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी हम लोगों को मिलेगा, मतलब दो सिग्नल को जब मिक्स करेंगे तो जैसा कि अभी डेफिनेशन में था तो प्रोड्यूस ए न्यू फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो ये यहाँ पर उस चीज़ को आई एफ हमारा एम्पलीफायर क्या करेगा, एम्पलीफायर करेगा। फिर जैसा कि हम लोगों को टीआरएफ में होता था डीमॉड्यूलेशन, बस यही तीन बॉक्स इसमें सुपर हेट्रोडाइन में एक्स्ट्रा है। फिर बोलिए डिमोड्यूलेशन के बाद अट जाए बस। डिमोड्यूलेशन एएफ एम्पलीफायर, ये भी मतलब अब तो सारा वही बनाना है, सिर्फ जो एक्स्ट्रा बॉक्स थे वो मैंने बना दिए, अभी बता भी दूंगी सारा। एएफ एम्पलीफायर ठीक है, एएफ एम्पलीफायर। फिर पावर इधर दिख जाएगा, बना दूं मैं, अगर नहीं भी स्पेस है तो नीचे भी बन जाएगा आराम से, अच्छे से बनाना है सारे बॉक्स को। पावर वाला बॉक्स हमारा इधर बना देते हैं, ठीक है, उधर जगह नहीं है। अगर हो सके पावर और एएफ को हम लोग अटैच करके भी लिख सकते हैं, पावर एम्पलीफायर, ठीक है, जगह तो इधर ही बनाइएगा, मेरे उधर दिखेगा नहीं इसलिए मैंने नीचे कर दिया। और फाइनली क्या होता है लास्ट में, रिसीवर के लास्ट में दो बातें तो बिल्कुल पता चलेगी, रिसीवर के स्टार्टिंग में एंटेना होगा और लास्ट में स्पीकर होगा, फिर बीच के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा। स्पीकर तो आता है ना सबको बनाने, अब ठीक है ना, आप लोग और अच्छे से बनाइएगा। तो ये हमारा स्पीकर बन गया, ज्यादा नीचे नहीं ना हो गया, ठीक है। ठीक है, ये वाला आगे जाके उधर जगह हो तो उधर बना दीजिए, मेरा था नहीं दिखेगा। अब इसे डार्क कर लेते हैं, अब सब समझने वाला है तो रेड वाले मार्कर से मैं बना दूंगी, सब समझने वाला टर्न है और अच्छा बनाने के लिए ऐसे ही कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटेना, एंटेना क्या करेगा, ईएम वेव्स को डिटेक्ट करेगा, ठीक है, एंटेना का यही काम है, डिटेक्ट करेगा सारे जो भी रिसीविंग साइड से हम लोगों को, सॉरी ट्रांसमिटिंग साइड से जो भी हम लोगों को मिल रहा है वेव, उसे वो सिलेक्ट करेगा, डिटेक्ट करेगा, फिर आरएफ एम्पलीफायर में भेज देगा। आरएफ एम्पलीफायर क्या कर रहा था बताइए। एक तो वो कर रहा था जो भी हमारा रेडियो, फिर से मैं लिख रही हूँ जबकि मैंने बता दिया था, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के स्ट्रेंथ को
स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा था टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव सिग्नल लिख सकते हैं। दूसरा ये क्या कर रहा था, ट्यूनिंग, आरएफ ट्यूनिंग सर्किट है जो कि वर्क क्या करता है, जो भी हम लोगों को डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी है, जो भी हम लोगों को चाहिए, हम लोगों को इस प्रोसेस में मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं डिजायर्ड उसे सिलेक्ट कर रहा था, ट्यून कर रहा था। ट्यूनिंग का मतलब ये होता है उस चीज को सिलेक्ट करके आगे बढ़ रहा है, बाकी सबको रिजेक्ट कर रहा था। ठीक है, लिख दिया ही जाए, सिलेक्ट रिक्वायर्ड डिजायर्ड, यहाँ पे लिख दें सिलेक्ट डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, जो भी हम लोगों को डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी सिग्नल लिख सकते हैं। एंड और क्या कर रहा था, और दूसरा रिजेक्ट अदर सिग्नल, लिख देते हैं रिजेक्ट अदर सिग्नल। अरे इससे क्या हो गया, ज्यादा नीचे नहीं हो गया, नहीं चल रहा। ट्यूनिंग का काम कर रहा था, ट्यूनिंग हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में अच्छे से देख लिया, जो भी हम लोगों को डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए सिग्नल उसे सिर्फ सेलेक्ट करेगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, फिर मिक्सचर, यही मेन है यहाँ पर। ठीक है, मिक्सचर क्या करता है इसे अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बाकी इधर वाला सेक्शन और इधर वाला सेक्शन हम लोगों ने टीआरएफ में समझ लिया है, बस ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो मिक्सचर का काम क्या हो रहा है, हेट्रोडाइनिंग भी एक मिक्सिंग ही है, मिक्सचर ही है। वहां पर भी अभी मैंने बोला कि दो सिग्नल को मिक्सिंग का काम यहाँ पर हो रहा है, दो सिग्नल, एक तो मान लेते हैं इधर से आई, ठीक है, मान रहे हैं, चलिए नहीं तो कैसे होगा यार, ठीक है, इसी चीज को अच्छे समझना है। देखिएगा मिक्सिंग में, मिक्सर में हम लोग क्या करते हैं, दो सिग्नल एक तो चाहिए सबसे पहले, एक तो हमारा उधर से आ रहा है आरएफ एम्पलीफायर से आ रहा है, और दूसरा हम लोगों ने लोकल ऑसिलेटर लगा दिया तो वहां से आ जाएगा। बाकी सारे बॉक्स को हम लोगों ने टीआरएफ में समझ लिया है, ये तीन बॉक्स सुपर हेट्रोडाइन में नए हैं, तो इन्हें अच्छे समझते हैं हम लोग। चलिए हो गया, तो मिक्सिंग क्या करेगा, एक सिग्नल हम लोग मान लेते हैं एफएस, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी एफएस है, ये सिग्नल इधर से आ रहा, एक हम लोगों ने एफ नॉट इधर से दे दिया, ठीक है, लोकल ऑसिलेटर से। और एक बात बहुत अच्छे से रहे कि हमेशा एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफएस, ठीक है, हमेशा होगा। तो मिक्सचर क्या करेगा, प्रोडक्ट करेगा दो सिग्नल का, प्रोडक्ट, ठीक है, अभी हम लोगों ने दिखाया था प्रोड्यूस टू अ न्यू फ्रीक्वेंसी सिग्नल, तो प्रोडक्ट करेगा, जैसे कि कॉस के टर्म में आप लोग जब प्रोडक्ट करते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी, तब क्या आता है, कॉस एक तो ए बी अगर करेंगे तो एक ए प्लस बी आता है और एक ए माइनस बी आता है, तो यहाँ पर ए बी की जगह क्या है, एफ एस और एफ नॉट है, तो मिक्सचर क्या करेगा, या तो एफ नॉट प्लस एफ एस करेगा, एक ये काम कर सकता है, या तो दूसरा क्या करेगा, एफ नॉट माइनस एफ एस, ये करेगा और मिक्सचर में ही फिल्टर लगा रहता है, ठीक है, फिल्टर क्या काम करेगा देख लेते हैं, फिल्टर अभी इसके बाद आएगा, फिल्टर जो भी हमारा डिजायर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आगे भेजना है वही उसे वो सिलेक्ट करेगा, बाकी सबको हटा देगा। तो मिक्सचर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल चाहिए यहाँ पर से या फिर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ये बताइए, लो क्यों चाहिए, क्योंकि हाई अगर लेंगे तो उसके साथ फिर कैरियर भी आएगा, कैरियर तो हाई होता है, तो लो करने के लिए हमारा फिल्टर जो सिलेक्ट करेगा वो ये वाला सिलेक्ट करेगा, मतलब इसे सिर्फ समझने के लिए लिखिएगा एफ नॉट माइनस एफ एस, ये वाला यहाँ पर सिलेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, लो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल चाहिए ना, थोड़ा सा मैं अगर पढ़ के सुना दूँ, ठीक है, लिखा है इसमें एक तो मिक्सचर में फिल्टर, जैसे मैंने बता दिया जो भी हम लोगों को डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए
उसे सिलेक्ट करता है, लो फ्रीक्वेंसी को फिल्टर सिलेक्ट करेगा आउटपुट में, लो फ्रीक्वेंसी को, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं एफ नॉट माइनस एफ एस को, एफ नॉट प्लस एफ एस को नहीं, लो फ्रीक्वेंसी वाले को यह सिलेक्ट करेगा, क्योंकि हम लोगों को लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल चाहिए। हाई फ्रीक्वेंसी में हमारा क्या आ जाएगा, कैरियर वाला आ जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी अगर ले लेंगे तो हमारा कैरियर वाला आ जाएगा ना, हाई होता है ना कैरियर का, शायद मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, हम लोग सेंडिंग के लिए सिर्फ यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वाला, बट एक्चुअली जो बेसिक हम लोगों का सिग्नल है वो तो हमारा मैसेज सिग्नल है, वो लो होता है, इसलिए ये वाला सिलेक्ट करेगी शायद आगे भेजेगा। तो हमारा आई एफ क्या है यहाँ पर ये दोनों, ये मिक्सचर वाला बात समझ में आ गया, इसमें एक फिल्टर भी होता है जो सिलेक्ट करेगा, फिर आई एफ, यहाँ पर एक नया टर्म आई एफ है, आई एफ समझ आया। तो आई एफ क्या, आई एफ एम्पलीफायर उस चीज को एम्पलीफायर, उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, मुझे सब देख रहे हैं। तो फिर आई एफ कहाँ पर लिखा जाए, आई एफ को इधर लिख देते हैं, ठीक है। आई एफ देखिए ध्यान से देखिएगा, आई एफ मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, फुल नेम है इसका, इसका फुल नेम है आई एफ का इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वो क्या करता है, सुपर हेटेरोडाइनेमिक में जो आई एफ होता है वो मिक्स होती है, मिक्सिंग अमाउंट, अच्छा इसमें ये सीख दिया है कि देखिए ये जो आई एफ है वो मिक्स होगी, मिक्स मैंने यहाँ पर जो प्लस करें माइनस करें प्रोडक्ट करने बाद हम लोगों को पता है कॉस के टर्म में ये आता है, तो फिर मिक्स करने तो प्लस है तो माइनस आएगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने माइनस वाला लिया, लो हम लोगों को लेना है। तो वो जो होती है उसका अमाउंट, अमाउंट यहाँ पर दिया है कि उसकी जो भी मिक्सिंग अमाउंट होती है आई एफ में, ठीक है, इसे अच्छे से लिख लीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिक्सिंग अमाउंट आई एफ, आई एफ व्हाट इज द मिक्सिंग अमाउंट ऑफ आई एफ, तो कितनी होती है 455 किलो हर्ट्ज, इसे अच्छे से लिखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्सिंग अमाउंट 455 किलो हर्ट्ज, ठीक है, ये मिक्सिंग अमाउंट आई एफ की होती है, यहाँ पर काम हो जाएगा। फिर आई एफ एम्पलीफायर का क्या काम होगा, उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, डिमोड्यूलेटर हमारे जो भी कैरियर है उसे जो भी फर्दर मतलब ये कर देगा काम, कि जो भी और अगर फिर भी कैरियर है तो कैरियर को सिग्नल को हटा देगा, और जो भी हमारा ऑडियो सिग्नल है, ऑडियो या फिर मैसेज सिग्नल है उसे आगे भेजेगा, उसे सिर्फ भेजने देगा, उसे कैरियर को वो हटा देगा वहाँ पर से। फिर ए एफ, जैसे मैंने बोला ए एफ एम्पलीफायर को और पावर एम्पलीफायर को हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं, और इससे पहले वाले भी टी आर एफ में हम लोगों ने समझ लिया था। तो ये क्या करेगा, हमारे ऑडियो सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, जिसमें मैंने पढ़ा दिया था, इस बारे में तो मैंने अच्छे से पढ़ा दिया था पिछले क्लास में, हाँ जो मैसेज सिग्नल है उसके फ्रीक्वेंसी को, इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा ऑडियो एम्पलीफायर का, और पावर एम्पलीफायर फर्दर इंक्रीजिंग करेगा, फर्दर एम्पलीफायर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दें पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, फर्दर एम्पलीफिकेशन अभी दिख रहा है ना, ऑफ किसका, मैसेज सिग्नल या फिर ऑडियो सिग्नल, तो ऑडियो सिग्नल भी देख लेते हैं, ऑडियो सिग्नल, और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं ये वोल्टेज के साथ साथ करंट को भी क्या करेगा, एम्पलीफायर करेगा, इंक्रीज करेगा, सिग्नल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, ये दोनों, ठीक है, एक ही बॉक्स में आ सकता है। फिर स्पीकर एक ट्रांसड्यूसर है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमारे साउंड सिग्नल में चेंज करेगा और हम लोगों को लास्ट में आउटपुट में देगा, तो आउटपुट वाला ये वाला वर्क हो गया। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, टी आर एफ अच्छा है अभी काफ़ी है, तो ए एफ रिसीवर, ए एम रिसीवर में हम लोगों ने टी आर एफ देखा, टी आर एफ बस ये तीनों हटा दिया जाए, बाकी यहाँ पर से ये कनेक्ट हो जाएगा, तो ये टी आर एफ है। और फिर टी आर एफ में जो है, जो उसकी ट्यूनिंग में है कोई प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम क्या मतलब अच्छा उतना ट्यूनिंग नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो डेरिवेशन है तो हम लोगों को है नहीं सिलेबस में डेरिवेशन, ठीक है, वैसे इतना डिफाइन भी नहीं बट कर दिया, तो डेरिवेशन उससे समझ में आता है, तो उतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं होने के कारण मॉडिफाई करके हमारा सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर आया, जिसमें कि ये तीनों बॉक्स बस
हमारे टीआरएफ में जो भी ब्लॉक डायग्राम था उसमें जुड़ गए हैं तीनों बॉक्स और हमारा सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर बन गया। कौन कौन से? मिक्सर। मिक्सर क्या करेगा? अभी जैसे कि हेट्रोडाइन में मैंने लिखा है दो सिग्नल जो कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के हो उनको मिक्स करके एक न्यू फ्रिक्वेंसी का सिग्नल को जनरेट करेगा। तो हम लोगों ने एक तो सिग्नल हमारा उधर से आ रहा है इन वहाँ पर से आर एफ एम्पलीफायर से जो कि एंटीना से करके आ रहा है, तो एक हम लोगों ने क्या किया लोकल ऑसिलेटर से दे दिया, दो फ्रिक्वेंसी है और हम लोगों को क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी वाला चाहिए तो इसलिए यहाँ पर एफ नॉट माइनस एफ एस हो गया और हमेशा एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ एस होगा, ये बात दिमाग में रख लीजिए। फिर इससे क्या होगा? फिर फिल्टर क्या काम करेगा? जो भी हमारा डिजायर सिग्नल है उसे उसे पास करने देगा। बाकी फिल्टर का काम ही होता है जितना भी हम लोग उसे बैंड सेलेक्ट करते हैं उतने में वो पास करने देगा, बाकी किसी को नहीं पास करने देगा, ठीक है, हटा देगा, रिजेक्ट कर देगा। फिल्टर कहेगा उसे हम लोग आई एफ कह रहे हैं। आई एफ का फुल नेम है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, जिसकी की मिक्सिंग अमाउंट होती है, मिक्स कर रहे हैं 455 किलो हर्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव व्यू से, एग्जाम व्यू से। फिर आई एफ को एम्पलीफायर करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे, डिबॉन्ड रिलेशन करेंगे और मतलब कैरियर जो भी है उसे और मतलब हटा देंगे कैरियर सिग्नल को। यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या ही कैरियर को हटा देंगे, सिर्फ मैसेज है, ऑडियो सिग्नल हमारा आएगा उससे एम्पलीफायर करेंगे, पावर एम्पलीफायर में देंगे। फिर हमारा स्पीकर लास्ट में ट्रांसड्यूसर का काम करेगा, स्पीकर हम लोग आउटपुट में देंगे। तो इतना सा काम हमारा सुपर हेट्रोडाइनिंग में था। बस ये तीनों बॉक्स टीआरएफ में जुट गए तो हमारा सुपर हेट्रोडाइनिंग में। तो एक बात जो और है यहाँ पे मिटा देते हैं, आप लोगों के एग्जाम व्यू से ऑब्जेक्टिव व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, ठीक है। क्या है? फ्रीक्वेंसी या बैंड रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज या फिर बैंड रेंज ऑफ बैंड रेंज, ये दोनों पूछे जा सकते हैं एएम के भी एफएम के भी, ठीक है। क्वेश्चन में आ सकता है कि फ्रीक्वेंसी रेंज या फिर बैंड रेंज ऑफ एएम इज, चार ऑप्शन रहेंगे आप लोगों को सिलेक्ट करना, या फिर एफएम इज, उसमें भी चार ऑप्शन रहेंगे। तो फिर एएम का जो फ्रीक्वेंसी रेंज या बैंड रेंज होता है वो है 540 किलो हर्ट्स, ठीक है, दिख रहा है 540 किलो हर्ट्स टू 1650 किलो हर्ट्स, 1650 किलो हर्ट्स, ठीक है, ये एएम का फ्रीक्वेंसी रेंज या बैंड रेंज है। और जबकि एफएम का कितना है? 88 मेगा हर्ट्स। देखिए कितना ज्यादा है इसका, मेगा हर्ट्स में, मेगा हर्ट्स ज्यादा होता है किलो हर्ट्स से, 88 मेगा हर्ट्स टू 108 मेगा हर्ट्स, इसे ज्यादा मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर मेगा हर्ट्स है 10 to the power 6, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला और ये वाला, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछे जा सकते हैं, तो इसे अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। और एक क्या है कि बैंडविड्थ एएम का, इसे ये तो नहीं है बट जान लीजिए, एएम का जो है एएम वाले का बैंडविड्थ कितना फिक्स किया गया है वो है 10 किलो हर्ट्स एएम का बैंडविड्थ, ठीक है, एएम सिग्नल के बैंडविड्थ उतने बैंडविड्थ में ही वो काम करेगा। अगर बैंडविड्थ में थोड़ा ज़्यादा हो गया या थोड़ा कम हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब क्या बोले डिस्टॉर्शन आ जाएगी, ठीक है। तो इसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसे कम भी नहीं होना चाहिए। और जितनी भी एफएम या फिर एएम वाली है उसकी रेंज ये है, ये एफएम की ये और एएम की ये, इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए रेंज, ठीक है। मतलब सब जितने भी हम लोग सुन रहे हैं, जैसे मैंने पिछले कल में बताया था रेडियो वगैरह सुनते हैं तो उसमें 98 इधर से इधर आ जाती हूँ, आप लोग लिख लीजिए, जैसे 98.5, 80, 97.2 इस टाइप में जो भी रहते हैं तो उन सबका एक फिक्स्ड रेंज होता है, ठीक है। इतने रेंज में उन लोगों को सिलेक्ट किया गया है, बैंड में सिलेक्ट किया गया है, तो उनका रेंज एएम का ये वाला है, एफएम का ये वाला है, अच्छे से नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव व्यू से ये तीनों चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए। और एएम रिसीवर यहीं तक था, एएम रिसीवर हमारा हो गया है, दो टाइप जो भी थे हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग एफएम रिसीवर देखेंगे। एफएम रिसीवर में भी दो टाइप है कि अच्छा देख लिया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में उसे बता दूंगी। तो इस चीज़ को आप लोग रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, और जो कि नहीं पढ़ना चाहते उन बच्चों के लिए यही है कि सिर्फ बॉक्स को ही आप लोग अच्छे से देख लीजिए।
बाकी पढ़ना क्या, बस अपने माइंड में सेट रखना है, क्योंकि आगे आप लोगों को इस सेमेस्टर में नहीं है तो क्या, आगे के जो सेमेस्टर है फोर और फिफ्थ सेमेस्टर, उन सब में आप लोगों को ये चीज़ डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, यही सब चीज़ पढ़ना है कि इसका वर्क क्या है। तो अभी से ही अच्छा रहेगा अगर कॉपी में लिखा है, तो अभी से ही अच्छा रहेगा, कॉपी को अच्छे से रखिएगा, नेक्स्ट सेम में भी आप लोगों का काम आएगा, ठीक है। बाकी मैं फिर से बता दूं कि एग्जाम में या फिर आप लोग जो भी शीट बनाएंगे उसमें सिर्फ ये वाला ब्लॉक डायग्राम जो कि मैंने ब्लू कलर से बनाया है सिर्फ उसी का काम है, रेड कलर से जो भी बताया वो समझाने वाला, बट ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव व्यू से इसे उतार लीजिएगा। तो आज की क्लास कहीं तक रखते हैं, आई होप समझ में आ रहा हो, कहीं कुछ भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, और इसे रिवाइज करते रहिएगा इसे भी और TRF को भी, और जो भी ट्रांसमिटिंग साइड में मैंने ब्लॉक डायग्राम वगैरह बनाए उसे भी अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। सिलेबस बड़ा है, इतना समझाते हुए चलेंगे तो आई होप कि जल्दी मतलब टाइम पर हो जाए, देखते हैं सर से बात किया जाएगा। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, थैंक यू, आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ लो, हैप्पी लर्निंग।